उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में आदिवासियों ने की कर्म पूजा और सांस्कृतिक कार्यक्रम। आपको बताते चले, आदिवासी उत्थान कल्याण समिति के तत्वाधान राज्यकर्ता पूजा बादो एकादशी के दिन मनाया जाता है। यह जानकारी देते हुए समिति के सचिव धनेश्वर ने बताया, एकादशी से पूर्व 3 दिन पहले 3 कुंवारी लड़कियों उपवास रखती हैं और जावा हेतु धान, गेहूं, चना, मटर, मकई और सरसों को मिश्रित करते हैं और कर्मा के दिन 3 कुंवारे लड़के डाल लाते हैं। जावा अच्छी फसल की कामना करते हैं, जिससे राजी कर्मा, इंद्र कर्मा, जितिया कर्मा, दशहरा कर्मा, सोहराई कर्मा, जो सत्य का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि हम आदिवासी प्रकृति से बड़ा प्रेम करते हैं। आदिवासियों से साल के वृक्ष, फल, फूल और पत्तियों को पूजने की परंपरा रही है। सत्यनारायण राव, हाँ, ये मुख्य अतिथि के रूप में हमें बुलाया गया था। ये त्यौहार प्रकृति के त्यौहार है, आदिवासियों का मेन त्यौहार के रूप में आता है। इसके ये प्रकृति संरक्षण से रिलेटेड है और इसको हर साल एकादशी के दिन मनाया जाता है। ये पूजन किस किस का पूजन किया जाता है, किस तरह से? ये कर्मा और धर्मा नामक एक कहानी है, उस पर पूजा की जाती है। इसमें मतलब कर्म को धर्म से जोड़कर देखा जाता है इसमें, और सत्य पर सत्य की जीत होती है। नई फसल आती है उसको लेकर, नई फसल ये मतलब ये जो खरीफ फसल होती है उसके कटने के बाद, पहला फसल कटने के बाद ये त्यौहार मनाई जाती है और ये यहीं से शुरुआत होती है और यहीं से इसके त्यौहार खत्म होने के मतलब विसर्जन के बाद यहीं से शादी का आना जाना, शादी के लिए, रिश्ते के लिए आने जाना शुरुआत होता है। नहीं, ये बाहर के लोग भी हैं, मतलब बरेली में खास करके जो बरेली में रह रहे हैं, काफ़ी दिनों से रह रहे हैं और यहाँ जो नौकरी करते हैं उनका परिवार है और विभिन्न डिपार्टमेंट में यहाँ के लोग मतलब यहाँ काम करते हैं और उसी के हिसाब से यहाँ लोग रह रहे हैं और यहाँ त्यौहार मना रहे हैं। धनेश्वर जी, आप क्या कार्यक्रम है अपना? ये भादो एकादशी के दिन जो हम लोग 15 सितंबर को कर्मा मना रहे हैं। ये राज्य झारखंड कर्मा पूजा है। ये हम लोग आदिवासी में जो है फसलों के प्रति, हमने इंसान के प्रति और जो प्रकृति का जो हम लोग पूजा करते हैं, जो पर्यावरण के संतुलन के लिए, उनके लिए हम लोग पूजा करते हैं, याचना करते हैं और फिर शाम को गंगा में विसर्जन करते हैं हम लोग।